दोस्तों, अभी दीपक जोशी जी कह रहे थे हमारे साथ मिस्टर रमेश अग्रवाल जी, जिनको हमने दोबारा रिपीट किया है। जनरली हमारे यहाँ एक स्पीकर आता है, फिर अगले साल दूसरे आते हैं, हम सबसे लाभान्वित होते रहते हैं। लेकिन रमेश अग्रवाल जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे हमें लगता है बार बार कुछ लें। मिस्टर राजेश चेतन जी, वो आपका परिचय एक बार फिर देंगे। राजेश चेतन जी हमारे बीच में, जिन्होंने इस हीरे से हमारा परिचय कराया। राजेश चेतन जी के अभिन्न मित्र, राजेश चेतन जी के साथी, दोस्त, क्लाइंट, सब कुछ है ये। मिस्टर रमेश अग्रवाल जी का परिचय देने के लिए राजेश चेतन जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारतीय सेना में आप रहे, वायुसेना में एक सैनिक के रूप में काम किया, हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा की, और रक्षा करने के बाद आपको मन में आया कि कुछ और बड़ा काम करना चाहिए, तो इन्होंने एक नया काम शुरू किया, सेना को अलविदा कहा। और सेना में जो कुछ मिला, पीएफ था या कुछ जो भी था, वो भी ये निर्णय किया कि उसको भी जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवारों के लिए वहीं डोनेट कर देना चाहिए, वो भी डोनेट किया। लोग गलत कहते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को बिल्कुल नहीं हुआ। गांधी का जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन साउथ अफ्रीका में लात मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, गांधी उस दिन पैदा हुआ था। रमेश अग्रवाल सेना को छोड़कर एक बड़ा काम करने के लिए निकले। वहां से जो सेना से मिला वो सेना को ही दे दिया, और उसके बाद 2 ट्रकों से अपना बिजनेस शुरू किया, और एक हिंदुस्तान को एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि आप फोन करो और आपके मकान की शिफ्टिंग की चिंता रमेश अग्रवाल के ऊपर छोड़ दो, मेरे पर भरोसा करो, जैसा मकान मुझे दोगे उससे बेहतर सजाकर संवारकर आपको वापसी कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है। लोगों ने भरोसा कर लिया, रमेश अग्रवाल का काम स्टार्ट हुआ। और वो 2 ट्रक कब 1000 ट्रक हो गए, कब वो 2 ट्रक का ग्रुप अग्रवाल मूवर्स ग्रुप के रूप में 1000 करोड़ का ग्रुप हो गया, ये रमेश अग्रवाल को भी पता नहीं चला। जनता इतना भरोसा करती है, जनता इतना विश्वास करती है, पर वह विश्वास जीतने की कला अपने पास होनी चाहिए। वो कला सिखाने का ये मंच है, 3 दिन का कन्वेंशन है। ये दोस्तों कन्वेंशन नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा, कन्वेंशन नहीं है ये आत्मा को बदलने का एक मंत्र यहां से मिलता है। आपको पता होगा रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी खड़े हैं समुद्र के किनारे, याद है आप लोगों को? सोच रहे हैं कैसे ये पार होगा, कैसे छलांग लगाऊंगा, याद होगा सीन। और सुंदरकांड में लिखा है राम जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत पैदा हो गया वहां पे। जामवंत ने कहा रहे हनुमान भूल गए अपनी ताकत को, तुम तो वो थे भयंकर वाले। तो हनुमान जी को याद आ गया, मैं तो वही था। और उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानकार लोग। तो इस कन्वेंशन में बड़े बड़े जामवंत दीपक भाई ने बुलाए हैं, मैं तो उसमें से ठीक से बानर भी नहीं हूं। जामवंत बड़े बड़े हैं, उनमें से एक जामवंत भाई रमेश अग्रवाल जी यहां पर हैं, जो आपको मंत्र देंगे आपके लाइफ को बदलने का, कैसे हो सकता है। रमेश अग्रवाल जी के बारे में घंटों बोल सकता हूं क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं वो, और समय नहीं है मेरे पास ज्यादा बोलने का। मैं चाहता हूं कि रमेश जी से सुने आप। एक बात कहना चाहता हूं उनके विषय में, आजकल एक नया काम हो रहा है, अगले 4-5 साल के बाद एक दृष्टि अगर आपको आज मिल जाए तो हिंदुस्तान के अंदर एक नया परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वो परिवर्तन दिखाई ये पड़ेगा कि जो ट्रक ड्राइवर जिसको आप कहते हैं ये हत्यारा है, ये लोगों की हत्या करता है, लोगों को मारता है, जब वो ट्रक ड्राइवर आपके सामने ट्रक लेके जाएगा तो आपको हत्यारा दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि एक संत गाड़ी चला के आपके सामने से निकल गया। ये आज रमेश जी को सुनने के बाद आपको लगने वाला है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ट्रक ड्राइवर के घर में भगवान के बाद अगर किसी का चित्र लगा मिलेगा तो वह चित्र होगा रमेश अग्रवाल का। बहुत बड़ा, लोग अभी सीओटी की, टीओटी की, एमडीआरटी की बात कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे। दासपा जी बैठे थे, पैकेज समझा रहे थे कि एक पॉलिसी मत बेचो, कितनी पॉलिसियां बेचो, 5 बेचो, 8 बेचो, 10 पॉलिसी बेचो। मेरे तो गुरु दीपक भाई है, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, नालायक तेरे जैसे आदमी को, तू तो बड़ा वानर है, तुझे 5-6 पॉलिसी से काम, तुझे 5000-6000 पॉलिसी एक साथ बेचनी चाहिए।
सर ने मुझे मंत्र दिया और मैंने वो मंत्र स्वीकार उनसे लेकर मुंबई वहां पे क्राउन एम्बेसडर कोर्स में सिखाया मंत्र इन्होंने मुझे। उसके बाद मैंने क्या किया साहब, ये इंद्रपाल मिंद्रा बैठे हैं मेरे दोस्त, राकेश शर्मा भी आए हैं क्या? नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ दिया और हमने एक ही फार्मूला बनाया कि अगर 2 कप चाय के पैसे एंटरप्रेन्योर और खर्च कर दे तो उसका चित्र हर कर्मचारी के घर में लग सकता है। क्यों सर? और हमने वो प्रपोजल बनाया। रमेश जी ने कहा कि रस बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया है। हमने उनके पास वो प्रपोजल दिया। थोड़ा सा कंपनी में आईपीओ आ रहा है, अग्रवाल मूवर्स ग्रुप के शेयर्स बाजार में आने वाले हैं, थोड़ा सा प्रपोजल रुका हुआ है, बहुत जल्दी वो प्रपोजल पास होगा और जिस दिन वो प्रपोजल आएगा 6000 पॉलिसियां एक साथ होगी और मेरे ख्याल से भारतीय जीवन बीमा निगम के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड राजेश चेतन के नाम से होगा। दो पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूं, रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा। दासपा जी मैं दो लाइनों से काम चला लेता हूं, मेरे पास ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजेरे में, और दिन के उजेरे में ना करो कोई काम ऐसा, नींद नहीं आए जो रात के अंधेरे में। एक सैनिक, एक योद्धा, एक कर्मयोगी का सम्मान कैसे करना चाहिए आप लोग जानते हैं मेरे से बेहतर। उनको मैं क्या बुलाऊंगा, आप लोग बुला सकते हैं, एक बार अपने तरीके से बुलाइएगा आदरणीय रमेश जी अग्रवाल। रमेश अग्रवाल जी, जोरदार तालियों के साथ। एक बात बताना चाहता हूं, रमेश जी के उद्बोधन से पहले मुंबई में रमेश अग्रवाल जी का भाषण हुआ, अभी किताब आई है सीधी साधी बातें, मैंने उसका संपादन किया है और भारत के सबसे बड़े पब्लिशर ने उस किताब को निकाला है जिसका नाम है डायमंड पब्लिकेशन। किताब बाहर अवेलेबल है, 5 भाषाओं में एक साथ निकली है। मुंबई कन्वेंशन में रमेश जी को मैंने प्रार्थना की कुछ किताबें ले जाओ, 2500 लोग होते हैं, मेरा सपना है कि एक दिल्ली में भी मुंबई जैसा दृश्य हो। कुछ कुछ बदल गया है दृश्य, अगली बार मेरा मन है कि हम मुंबई को पछाड़ दें। राजधानी में हम रहते हैं, मुंबई वाले हमसे आगे कैसे जा सकते हैं? दासपा सर अगली बार हमने मुंबई यहां रिपीट करनी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, 400 किताबें लेकर गए थे दोस्तों, रमेश जी का भाषण खत्म हुआ, रमेश जी आपको याद होगा दृश्य भाष टाल पे क्या हालत थी, और 400 किताबों को निकलने में शायद 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, सब किताबें वहां से सेल हो चुकी थी। ये उनके बोलने का जलवा है क्योंकि वह दिल से बोलते हैं। आज भी किताब का स्टॉल बाहर है, आप में से जो लेना चाहे किताब बाहर मिल सकती है। आप और रमेश जी एक बार जोरदार तालियां। रमेश जी एक बार बोले जय हिंद। आदरणीय दीपक जोशी जी, स्वामी जी, LIC के अधिकारी दासपा जी और मुकेश जी, जो LIC के यहाँ जब भी एजेंट बहन भाइयों, आज जैसे चर्चा हो रही थी कि सेल्स मार्केटिंग किस तरह से अपनी चीज बेचे, और जो अधिकारी साहब ने कहा कि हम एक दूसरे से मिलना जुलना जिस तरह का हमारा एक वो बन गया, इससे भी हटकर क्या करें कि हमारी पॉलिसी बिके। तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता ये वक्ता हूँ, बट एक्सपीरियंस है जो अपने लाइफ का, जहाँ एक 1987 में एक यात्रा शुरू करी और 2012 यानी कि 25 साल के अंदर उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा जिसका अनुभव का आप लाभ उठाएंगे, और उससे कुछ ना कुछ समझता हूँ कि आपको कुछ मिलेगा, और जब घर में जाओगे तो लगेगा कि हाँ हम भी इसके हिसाब से अपन बदल सकते हैं।
तो उसमें एक 2-2.5 मिनट की एक मूवी है मेरी, मैं चाहूंगा कि वो आप पर देखें, वहां से स्टार्ट करते सचिन। आ रही है, इसके बाद ध्यान से देखें, लाइट यदि बंद कर सकते हो तो ऊपर की। आवाज आ रही है? आवाज वॉइस नहीं। मैं समझता हूं कि बिना आवाज भी एक बार आप उसको ध्यान से देखेंगे तो शायद। कुछ इसके पिक्चर से अलग आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में आया क्या? इसको एक बार और रिपीट करते हैं, वो अलग अलग सेक्शन में था, वो कर सकते हैं क्या आप? है सचिन, रिपीट की बजाय अलग अलग सेक्शन में दिखा रखा था, कैन यू डू इट? ये एक मूवी है, इसके बारे में बताता हूं मैं। ये एक भिखारी है लंदन के अंदर, भीख मांगता है कि लंदन में जब भीख मांगते हैं तो वो ऐसे घूम घूम कर नहीं मांगते, किसी जगह पर बैठ जाते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं कि मैं भिखारी हूं और मेरे को भीख चाहिए। आने जाने वाले लोग उसको डाल देते हैं, शाम के टाइम पर वो अपनी इकट्ठी करता है और घर चला जाता है। यहां पर अपने को ये देखने को मिला कि जो 35 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, वो 35 साल से भीख मांग रहा है, उसके जो कटोरा है उसमें वही शाम तक $5 $6 गिरते आए। उस लड़की ने कुछ एक दो लाइन अलग से लिखी, उसके बाद आपने देखा होगा कि उसको कितने पैसे मिले। यहां पर एक चीज देखने को मिली, क्या उसको, अपन कहते हैं ना कि मेरे को 30 साल का रिच एक्सपीरियंस है, 20 साल का रिच एक्सपीरियंस है, तो उसका उस एक्सपीरियंस को उस लड़की ने 2 मिनट के अंदर तार तार कर दिया। क्यों, क्या यहां पर क्या देखने को मिला? यहां पर देखने को मिला कि उस लड़की ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, सी हैज थॉट समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, हटकर सोचा और 4 लाइन लिख दी। वो क्या लिख रखा था? आई एम अ बैगर, प्लीज हेल्प मी, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। और लड़की ने क्या लिखा? टूडे इज ए ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी। दो वर्ड्स ने
उसकी भीख की संख्या डबल कर दी। यानी कि यही अपने को एक सोच बदलनी है और अपने को हर चीज में आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। मैंने जो आज सब्जेक्ट लिया है वो है कि आउट ऑफ बॉक्स, सब्जेक्ट का टाइटल है आउट ऑफ बॉक्स। एक एक जो एक्सपीरियंस है, 5-7 एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि एक्सपीरियंस नंबर 1 कैन यू आउट ऑफ बॉक्स एग्जाम्पल 1। मैं हर बार जब भी कभी कुछ चीज होती है उसके बारे में गहराई में सोचता हूं और उसके बाद कुछ ना कुछ में से निकलता है जो मेरी अपनी अपने आप में सेल्स की जो स्किल है उसको बढ़ाता भी है, फायदा भी करता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। यहां पर आपको 2 ढाबे देखने को मिलते हैं। मैं गया था, ये मुरथल है ना अपने यहां, जब आप जाओगे सोनीपत की तरफ कुंडली के बाद सोनीपत के आगे, फैमिली के साथ खाना खाने के लिए गया था और उधर एक ढाबा मिला, उसके बाजू में दूसरा ढाबा और था। जो ढाबा पहले गया उसके पास 4-5 कारें खड़ी हुई थी और फिर अगले पे पहुंचा तो वहां पर 50-60 कार खड़ी थी। मगर मेरे लिए दोनों ढाबे नए थे, न मैं पहले उस पे गया न पहले दूसरे पे गया, मगर दिमाग ने काम किया कि यहां नहीं तो 50 कारें खड़ी है, आप वहां जाओ। मैं 50 कारों वाले पे चला गया, बैठे, खाना खाया। अपने को नहीं मालूम कि यह खाना इसका बढ़िया था या उसका बढ़िया था, मगर मैं 50 कार जहां खड़ी थी उस ढाबे में गया, परिवार के साथ खाना खाया, वापिस आया, मगर दिमाग में एक क्वेश्चन अपने आप में जवाब मांग रहा था कि मैं उस पहले वाले ढाबे पे क्यों नहीं गया, उस पे क्यों गया भाई। मैं इस पे भी जा सकता था, मेरे लिए तो दोनों ढाबे नए थे, इसमें रोशनी अच्छी थी, लुक अच्छी थी, मगर कार 2-4 खड़ी थी, दूसरे वाले में ज्यादा संख्या में खड़ी थी। तो वहां एक आंसर आया कि भीड़ है वो भीड़ को खींचती है, इसलिए मैं वहां पर गया। फिर मैं सोचा कि यदि भीड़ भीड़ को खींचती है तो मेरे व्यापार में मैं कैसे भीड़ जोता हूं ताकि मेरे क्लाइंट मैं उनको इस तरह से ही दिखाकर खींचूं। मगर मेरा तो व्यापार बिल्कुल अलग है, वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि काउंटर के ऊपर, हम तो एक चौथी पांचवी मंजिल में ऑफिस लेकर बैठे हुए हैं, वहां हमारे इंप्लाइज काम करते हैं, कोई वॉक इन क्लाइंट तो होता नहीं कि मेरी भीड़ को देखकर मेरी भीड़ आ जाएगी। तो कैसे भीड़ पैदा करें ताकि लोगों को लगे कि इनके पास, क्योंकि भीड़ को जब भीड़ खींच रही है तो यहां क्वेश्चन बना कि भीड़ का एक माहौल बनाया जाए ऑफिस के अंदर ताकि ये हो। फिर हमने एक माहौल बनाया, जैसे कि फोन आता है किसी क्लाइंट का, हम पूछते हैं हाँ जी क्या, वो कहता है कि जी मेरे को दिल्ली से हैदराबाद शिफ्टिंग करना है। बोला जी हां कर देंगे, हमारा आदमी आपके घर पर आएगा, आपका सामान देखेगा, एस्टीमेट बनाएगा, आपको प्लानिंग देगा, ठीक है बताओ कब आना है। वो कहता कि आ जाना, आज भेज दो या कल भेज दो। चलो हम मान लिया जी कल भेज देते हैं। कितने बजे? वो कहता कि शाम को भेज दे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शाम को कितने बजे, आदमी क्या बोलता है 4-6 बजे भेज देना। फिर हम क्वेश्चन करते हैं 4-6 बजे हमारा जो आदमी जो फोन अटेंड करता है, जो वहाँ जो जिसको हम बोलते हैं डेस्क ऑफिसर, वो अपना रजिस्टर देखता है, बोलता कि 4 बजे तो टाइम नहीं है फील्ड ऑफिसर का, 6-30 बजे वो वहाँ पर बिजी होगा और 5 फिर वहाँ से निकलेगा। तो आर यू कंफर्टेबल सर 5:20? वो क्या बोलता है, आर यू कंफर्टेबल एट 5:20? क्या 5:20 में भेज दूँ? वो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन तो 4-6 का टाइम दिया था, आप कितने बजे ही भेज सकते हो, पर ठीक है कंफर्टेबल। उसके बाद 5:20 पे वो घंटी बजाता है और वो आदमी मिल जाता है। ये एक सीन हुआ। सपोज करो वो कहता कि 4-6, हम कहते हैं ठीक है हम आते हैं आपके पास। मेरा आदमी 4:30 पहुंच जाता है 5:20 की बजाय, घर में जाता है, बोलता है उसकी बेटी पापा भी अभी बाजार में गए सब्जी लाने, आधा घंटा 10 मिनट में आ जाएंगे। तो आदमी को क्या करना पड़ता, इंतजार करना पड़ता, और 4-6 के बीच में आया है। यहां पर उसने टाइम क्या दिया 5:20 का, और कैसे टाइम दिया 4 बजे मैं बिजी हूं, 4:30 बजे उधर भी जाना है, वहां का भी आदमी आना है, एक भीड़ सी पैदा करने की कोशिश की। उसको दूर से ये लगा कि यस इनके पास समय बहुत कम है, बहुत टाइट है, इधर से बुकिंग है उधर से बुकिंग है, वो वहां पर है
तो 4:40 पे नहीं होगा, 5 बजे होगा, आर यू कंफर्टेबल 5:20? तो 5:20 का समय देने से सामने वाला वहां घर में भी मिला, क्योंकि उसको 5:20 का टाइम दे रखा है। और उसका एक क्वेश्चन होता है हमेशा, क्या आप का सामान मेरा सामान लेट तो नहीं पहुंचाओगे? क्योंकि जब अगला टाइम से 5:20 पे आ गया, एक 5:20, और उसके बाद उसका क्वेश्चन सेल्फ ऑटोमेटिकली आंसर हो गया कि यस दे विल बी मेंटेनिंग टाइम। तो जो क्वेश्चन आया उसके अंदर सॉल्यूशन जो निकला हमारा, हमने एक रूल तकिया कलाम ना लिया, ऑन टाइम और टाइम, और कंपनी को एक रूल दे दिया कभी भी जब समय लेंगे हमारी कंपनी तो उसको एक भीड़ पैदा करनी है ताकि सामने वाले को लगे कि यस इनके पास काम ज्यादा है। दूसरा, सामने वाले के लिए हम इंतजार ना करना पड़े, 5:20 जाए तो 5:20 मिले, 2:40 जाए तो 2:40 मिले। यदि आप ये सोच के देखो, यदि कहीं टाइम लेते हैं और कहते हैं कि 2 से 4, आई डोंट थिंक कि आप यदि 2:30 बजे पहुंच गए और वो नहीं मिला तो आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टाइम क्या दे रखा है, 2 से 4, अगला 4:45 भी आएगा, 3:30 भी आएगा। तो हमारा जो एक सोच बनी वो ढाबे से लेकर उठी और उसमें से एक चीज कहा कि लेट अस मेक अप्लीकेबल इन अवर कंपनी। तो उस फार्मूले का नाम दिया हमने ऑन टाइम ओड टाइम। ओड टाइम मींस 5:40 लो, 4:20 लो, 4:35 लो, 2:55 लो, दैट इज कॉल्ड ओल्ड टाइम। बट यू हैव टू रिपोर्ट एट देयर पार्टिकुलर हाउस ऑन टाइम। तो फार्मूला हैज बीन डेवलप्ड, इट्स टाइम ऑन टाइम ओड टाइम। तो आपके भी दिन में दिनचर्या में मैं समझता हूं कि काफी ऐसा टाइम देने का आता होगा, तो अगेन आप भी इस तरह का टाइम लो ताकि आपका इंतजार करता मिले। एक जस्ट ऐसा टाइम मत दो जो आप अक्सर ही आप वहां जाए वो मिले ना, आपका भी लॉस, सामने वालों को भी सीरियस नहीं होगी क्योंकि समय ही इस टाइप का दे रखा है। फिर आदमी पूछ गया, मैं अभी 3 दिन पहले रायपुर था, 4 दिन पहले सेल्स की बात जब आई, रायपुर ब्रांच के मैनेजर ने कहा, मतलब कितना बिजनेस है, बोला जी इतना बिजनेस है, यार बहुत कम है इसका, तो हमारा रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है दूसरे कंपेयर में और दूसरे लोग अपने कंपेयर में बहुत कम रेट देते हैं, इसलिए हमारे हाथ से क्लाइंट निकल जाते हैं। मैं अभी कोई लिस्ट दो जो रेट के चक्कर में आपका क्लाइंट गया है या आप से वो बुक करना नहीं चाहता। लिस्ट निकाली, एक सज्जन का नाम आया, रायपुर से वो कोचिंग जा रहे थे। मैंने बोला इससे मेरी बात कराओ, मैंने उससे बात करी, क्योंकि हमने रेट दिया था रायपुर से कोचिंग का 90,000 रुपये और दूसरे का रेट था अप्रोक्सीमेटली 58,000 या 60,000 रुपये। तो एक 60,000 रुपये ले रहा है, एक 90,000 रुपये ले रहा है, तो आप कौन कहां जाना पसंद करेगा, 60 पे या 90 पे? 60 पे। हमारे आदमी ने यह भी बताया कि सर हमारा ब्रांड है, हमारी कंपनी को ISO मिला है, हमारी कंपनी को बहुत कुछ लोग जानते हैं, हमारी कंपनी ने 52,000 शिफ्टिंग की है पिछले साल, बहुत ट्रक्स है हमारे पास में। तो सामने वाला क्या, यार फिर तो आपका रेट उससे सस्ता होना चाहिए। यदि मैं कोई सामान सब्जी मंडी से लाऊं और मेरे गली में लूं तो सस्ता कहां का मिलेगा, सब्जी मंडी का। तो आपकी तो सब्जी मंडी के टाइप का बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, खुद की ट्रकें हैं, सामान परचेज करते होंगे, पैकिंग मटेरियल तो बल्क में खरीदते हो। ये तो बेचारा छोटा सा आदमी है, ये तो आज की पैकिंग का ऑर्डर लेगा, कल सामान खरीदेगा, मेरे पास आएगा, तो इसका तो बहुत महंगा है और फिर भी मेरे को सस्ता दे रहा है। क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर। तो कोई आदमी ब्रांड नाम से आपके पास आ तो गया, मगर आप उसको सेल नहीं कर सकते। वो सेल करने के लिए क्या चाहिए, जो पैसा दे रहा है उसकी आपको वैल्यू दिखानी है। आप 90,000 रुपये ले रहे हो तो उसको दिखाना है कि आपको मैं 1,10,000 की सर्विस दे रहा हूं, तब कहेगा कि आई एम सेविंग 20,000। मैंने उनसे बात की कि सर हमारे आदमी आए थे, हाँ जी आए थे, बहुत वो बहुत ज्यादा रेट है भाई आपका नहीं चलता। मतलब सर बहुत ज्यादा रेट है, पर आप, मैं रमेश अग्रवाल हूं, दिल्ली से आया हूं, आप मेरे को यदि समय दे दे 10 मिनट तो मैं आपसे मिल लूं, कहो तो मैं आपके पास आ जाऊं या आप मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, आप एक काम करो, शाम के टाइम पर मेरे घर पे आ जाओ। मैं मेरे उस रायपुर के मैनेजर के साथ में वो पेपर लेकर जो एस्टिमेट दिया था वहां पहुंच गया, चला गया। उसने बातचीत करी, बातचीत करने के बाद कहा कि देखो ये 90,000 रुपये, इसका 58,000 रुपये। मैंने कहा कि 58 देखते ही, बोला नहीं जी ये तो बहुत महंगा है। यार 90,000 आपका, ये 58,000 रुपये इसको आप बोले, नहीं जी ये बहुत महंगा है, ये तो 1,25,000 से कम नहीं है आपका।
मैं बोला जी वो उसने कहा कि यार मेरे को ठाउं दिख रही है। मतलब सर आपकी चश्मा और मेरे में फर्क है, ये तो 1,25,000 का कोटेशन है, आपको अलग से दिख रहा है, मेरे को 90,000 मेरा दिख रहा है, इसका 1,25,000 दिख रहा है। बोला ऐसे कैसे? ना जी आपका एक बार फोन नंबर दे दो आपका। मैंने उससे उसका फोन लिया और जिस आदमी ने कोटेशन दे रखा था कोचिन का 58,000 रुपये, उसने अपना एक कोचिन के एजेंट का कोई नंबर लिखा हुआ था फोन नंबर। मैंने उसका फोन मिलाया कि मैंने कहा कि मैं सुब्रमण्यम बोल रहा हूं, रायपुर से मेरा सामान आया है और आपके लोग यहां पर अभी तक आए नहीं, जो गाड़ी मैंने भेजी थी रायपुर से वो बदली हुई भी है, इसमें लग रहा है कि सामान उतरा पतली हुई है, काफी डैमेज दिख रहा है, आप अर्जेंट यहां आ जाओ, मैं तो बहुत आपसे खपा हूं प्लीज। वो बोला कि आप कौन बोल रहे हो? मैं बोला जी मैं सुब्रमण्यम बोल रहा हूं, ये एक्स वाई जेड पैकर है जो रायपुर से। जी आप किसकी बात कर रहे हो? जी उन्होंने आपका नंबर दिया था। जी मेरा कोई पैकिंग हुआ काम नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट करता हूं। बोला भाई आपका नंबर दिया था, जिस दिन दिया होगा उसका हेडेक, मैंने तो आपको नंबर नहीं दिया। अरे वो ऐसे गलती हो सकती है? बोला जी मेरा क्या मतलब, जिसने किया हो उस रायपुर वाले से पूछो। फोन रख दिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फोन मिलाया उसी के फोन से, अग्रवाल पैकर मोर कोचिन में, सेम रिपीट किया, अग्रवाल पैकर मोर, बोले हां जी हम बोल रहे हैं। अरे भैया आपकी रायपुर से गाड़ी आई है, सारा सामान बिखरा हुआ दिख रहा है और लगता है कि कुछ कम भी होगा इसके अंदर, टूट फूट भी है, लेबर भी नहीं पहुंची, आप अर्जेंट अपने खुद भी आ जाओ और अपने आदमी को लेकर भी आ जाओ। वहां से जवाब मिला, अच्छा हमारे को तो सूचना तो नहीं है कि आपका कोई पहुंच गया, फिर भी कोई बात नहीं, चिंता मत करो सर, मैं 20 मिनट में आपके पास घर पे पूछता हूं, ये मेरा काम है, मेरा सामान है, आप चिंता मत करो, मैं आपका सब सोल्व करूंगा, आपकी चिंता नहीं मेरी चिंता है, पर कैसे होगा हमारे होता नहीं, पर मैं पहुंच रहा हूं। वहां फोन काट दिया। मैंने कहा कि जो 58,000 वाला यदि आपको 40,000 रुपए कर देगा, क्या सर सामान भेज दो किसके साथ? बोला बिल्कुल नहीं भेजूंगा। और कहा कि 90,000 ज्यादा है रमेश जी, इसको 85-87 करो और एडवांस लेके जाओ। मैंने 85-86 किया और 10,000 रुपए एडवांस लेकर अपने रायपुर ऑफिस वाले को बुला लो। यानी कि सेल्स में आपको जो चीज आप ले रहे हो उसकी वैल्यू दिखानी है क्लाइंट को, वैल्यू फॉर मनी। और क्लाइंट आपके या कोई भी आदमी सबके दिमाग है, वो 2 मिनट में समझ जाएगा, यस वंस आई एम पेइंग 1,00,000 एंड आई एम गेटिंग 120, घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है, और वो आपके साथ डील कर लाता है। मगर आपको हर तरह के, मैंने 90 और 58 के अंदर डिफरेंस बहुत था, पर मैंने 58,000 प्लस क्या दिखाया, डैमेज, टेंशन, कोर्ट कचेरी, कंज्यूमर कोर्ट, ये सब जोड़ने के बाद 1,25,000 किया मैंने। 58 को तो 58 ही रखा, पर उसके अंदर अलग चीजें जोड़ी। तो आपको जब भी कहीं सेल करनी है, एक रेट यदि आप एक्स्ट्रा भी दे रहे हो तो आप उसके साथ वैल्यू एडिड क्या दे रहे हो, दूसरा नहीं दे रहा, उसकी भी कॉस्ट होती, दोनों को किसी को दिखाओगे तो ही कैन फाइंड आउट अ डिफरेंस। मगर किस ढंग से प्लेसमेंट करनी है, दैट इज द ओनली मंत्र। मैं दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि भोजन के उसके बीच में समय ऐसा है तो थोड़ा सा जल्दी करूं, है ये एग्जाम्पल। दूसरा आया, बहुत बड़ी टेंशन थी हिंदुस्तान के मार्केट में, आर्मी ऑफिसर्स हमारे पास, आज टोटल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस यदि कहे, पूरे हिंदुस्तान में 8,00,000 की शिफ्टिंग होती है। आउट ऑफ 8,00,000 की शिफ्टिंग में अकेले डिफेंस का यदि हम काउंट करेंगे तो दे आर 3,00,000। 3,00,000 की शिफ्टिंग होती है एक साल में डिफेंस की, 5,00,000 की होती है पब्लिक की, और डिफेंस हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। हमने प्लानिंग करी कि भी क्या करें। बोला जी डिफेंस के रेट आपके रेटों में बहुत फर्क है, आप अपने रेट कम कर दो। बोला जी रेट कम कर देंगे तो हम फिर खाएंगे क्या, हमारा तो वारा नहीं खाता। तो फिर आउट ऑफ बॉक्स दिमाग काम किया, सोचना शुरू किया कि डिफेंस के लिए क्या किया जाए, ताकि डिफेंस के ऑफिसर्स भी हमारे साथ आम आदमी की तरह मुंह करें। डिफेंस में सोचा गया कि क्या चाहता है डिफेंस। डिफेंस एक चीज चाहता है कि मेरा सामान हालांकि कम है, आधा ट्रक है, मगर मेरे घर से भरे और मेरे घर पे जाए। आधा ट्रक आप कैसे घर से भरोगे, घर पे जाओगे? वो तो आपको उसके घर से लेना पड़ेगा, गोदाम में रखोगे, दूसरे का एक लाओगे गोदाम में रखोगे, दोनों को भी एडजस्ट करोगे और डेस्टिनेशन पे लेके जाओगे, ऐसा ही होगा ना। आधा ट्रक कैसे करोगे, आधे से भी कम होगा तो कैसे करोगे। मगर उनकी कंडीशन है कि हमारा तो आधा ट्रक भी है मगर आपको डोर टू डोर लेके जाना है और हमारे सामने लोड करना है और हमारे सामने खाली करना है। और पैसा किसका देंगे,
आधे ट्रक का देंगे, आधे ट्रक से 15% फालतू ले लो कोई बात नहीं चलेगा, मगर पूरे ट्रक का किराया नहीं देंगे क्योंकि सामान कम है, पर एक्सक्लूसिव हो ताला भी मारेंगे हम। अब यदि मान लो आधा ट्रक भर दिया और ताला मार दिया तो मैं क्या करूंगा, दूसरा सामान कहां भरूंगा, पूरा ट्रक का किराया भी नहीं मिल रहा। तो एक थॉट बना कि लेट अस उनके लिए कोई डिजाइन करे, एक आधे ट्रक का जो सामान होता था अक्सर हम क्यूबिक फीट के हिसाब से काउंट करते हैं तो दैट इज 800 क्यूबिक फीट होता है। दो बेडरूम का सामान मैक्सिमम 80-90% लोगों का होता है, इवन सिविल के अंदर भी, और 20% लोगों का होता है थ्री बेडरूम प्लस कोठी बंगला। तो हमारे को सोचा कि हम ब्रॉडली 80% लोगों के लिए डिजाइन कर लिया तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल वी हैव डिजाइन इट। तो एक डिजाइन बना और उसका नाम दिया डबल डोर होम कैरियर, डबल डोर होम कैरियर। इसके अंदर दो डोर है, एक आगे है एक पीछे है, बीच में पार्टीशन है और 1640 क्यूबिक फीट की इसकी कैपेसिटी है। अब बढ़ाकर हमने 1720 कर दी, पहले 1640 की ही है गाड़ी है, 1700 के अंदर 850 एक को दे दिया, 850 दूसरे को दे दिया, बीच के अंदर हमने पार्टीशन कर दिया, वो ताला यहां मारेगा दूसरा ताला वहां लगाएगा और दोनों कोई भी आगे आए कोई भी जगह पहले आए, जैसे बेंगलोर हैदराबाद है, बेंगलोर चेन्नई है, चेन्नई कोचिन है, तो एक का सामान उस डोर से खोल देते हैं, एक का सामान इससे। जैसे हम एक आदमी से 50,000 रुपये लिया करते थे, दो से कितने लेते हैं 1,00,000, और हमारे पास क्लाइंट नहीं आते थे, 50 वाले को बोल दिया कि आप 35,000 रुपये दो, दूसरे को बोल दिया तुम भी 35 दो, उसका 50 से 15 कम हो गया और हमारे को कितने मिल गए, गाड़ी तो एक ही जा रही है, ड्राइवर एक ही है, हमने 70 कर लिया। और पॉलिसी का नाम दिया एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मींस आपका ताला, आपकी चाबी, आपका सब कुछ, इंक्लूसिव मींस एक गाड़ी में जा रहा है। तो यानी कि एक थॉट बना कि हम अपने को कैसे मिलिट्री वालों में बैठे, और इस साल का रिकॉर्ड हमारा भी दिसंबर में खत्म होगा कि सिविल के बराबर हमारे मिलिट्री वाले आने शुरू हो गए। मिलिट्री के काम करने के बाद, हालांकि मैं एयरफोर्स से हूं और उसके नाते से मैंने जो मेरी शुरुआत की थी वो भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी सुभाष गुप्ता स्क्वाड लीडर एयरफोर्स स्टेशन एकेडमी डुंडीगल से पहला कंसाइनमेंट में वहीं लेके गया था, मगर जितना आम आदमी लेकिन बैंक्स ऑफिसर को या ONGC NTPC +++ को मिलता है उनको उतना इंटाइटलमेंट नहीं मिलता, उनको अपने इंटाइटलमेंट के अंदर दूसरे खर्चे भी होते हैं, यानी कि बच्चों की TC ट्रांसफर करते हैं, कुछ प्लम्बर का काम, कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम, कुछ कारपेंटर का काम, क्योंकि गवर्नमेंट तो देती नहीं उसका, तो इसलिए उसके खर्चों का भी वो अपना इसके अंदर से ही से अपना सोचते हैं कि भी मेरा खर्चा वो भी यहाँ से निकले, तो उसका भी जो 15-20 हज़ार रुपये का जो उनको मिलता है जो हम लेस करते हैं तो वो दे कैन मीट देयर एक्सपेंडिचर। फिर उनका ये आया क्वेश्चन कि साहब हमारे पास तो प्लांट्स भी होते हैं, हमारी तो लाइफ सेविंग होती है, हम ये कैसे लेके जाएंगे, मगर प्लांट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो देन इट्स अ कॉस्ट। तो फिर इसी गाड़ी में डिजाइन किया, ऊपर दिखाई दे रहा ना छत आपको, कुछ जाली बनी हुई है बसों में जैसे होती है, ऊपर पिंजरा सा बना हुआ है ऊपर छत गाड़ी के ऊपर, इसके अंदर प्लांट्स कैरियर लगाकर और हम उसमें बेल्ट लगा देते हैं तो उनके प्लांट्स भी यहां चले जाते हैं। ड्राइवर जब खाना खाता है दो लोटे पानी मार दिए ऊपर चढ़कर और प्लांट भी 4-5 दिन तक आराम से सेफ पहुंचे, हवा भी मिली पानी भी मिला प्लांट भी पहुंच गए, हमारा कोई एडिशनल स्पेस कवर नहीं किया। और प्लांट देखने के बाद पुलिस वाले भी रोकते हैं, नहीं ब्लरे मिलिट्री वाला का जाता होगा, जाने दो, वो भी खर्चा बचेगा। तो एक जन्म हुआ 30% लेस कॉस्ट बट सेम पैटर्न। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अपने को यदि कहीं भी थोड़ा सा भी हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं तो आपको सोल्यूशन उसी टाइम मिलेगा, मगर सोचने के लिए क्या चाहिए, क्या सोच नहीं है, सोचने के लिए आपको कंज्यूमर का दुख, कंज्यूमर की तकलीफ, उसकी पीड़ा, जैसे बोलते ना भूत किसी के अंदर घुस जाता है तो आप कंज्यूमर के अंदर घुस के सोचेंगे कि मैं क्या दूं, इसका बेनिफिट कहां से करूं, कैसे करूं, तो आपको एक रास्ता नजर आता है, उसका नाम ही सोल्यूशन है। ये आपने गाड़ियां दिखाई दे रही है पीछे, गाड़ी के पीछे बेल्ट दिखाई दे रही है नीचे, ऐसे बेल्ट लगी हुई ना,
जैसे सेफ्टी बेल्ट होती है एयरक्राफ्ट में, इसको बोलते हैं हम सेफ्टी बेल्ट, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक काली काली जो बेल्ट लगी हुई है। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियों का कहीं यूज किया होगा, तो क्या ऐसी बेल्ट आपको देखने को मिलती है गाड़ियों में? नहीं मिलती। 1947 से आज इतने साल हो गए आजाद हुए, एक बेल्ट बनती है हमारी 60 रुपए की, हम 8 बेल्ट लगाते हैं 480 रुपए की, 500 रुपया खर्चा होता है, मगर फिर हम बेल्ट क्यों नहीं लगाते? 500 गाड़ी जब बनती है 25 लाख रुपए की, तो 500 रुपए क्यों ऐड नहीं करते? मगर किसी ने आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा। मगर हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, बात है 1999 की, 99 की, मेरे हैदराबाद में एक ऑफिस है सनत नगर बालनगर के पास में, वहां इस तरह की गाड़ी थी, लेबर कहीं से आई थी और लेबरों ने अनलोड करने के लिए उस गाड़ी का दरवाजा खोला। जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें जो कार्टून जो सामान होता है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं बंपिंग जंपिंग में, आगे का पीछे, और हिल जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो उस जगह ही दरवाजा खोला, ऊपर से एक बैरिंग की पेटी, 60 किलो की होती है, वो धीरे से ऊपर से गिरी और एक लेबर के कान के ऊपर गिर गई, लिटरली कान में 1 इंच तक कान नीचे चला गया, आधा कान हो गया, कान कट गया उसका। डॉक्टर के पास ले गए, इलाज हुआ, आज भी हमारे पास वो काम कर रहा है, उसको हिज हार्ड इनिंग, उसको ऊंचा सुनता है। मगर क्वेश्चन हमारे ऑफिस तक पहुंचा, सर ऐसा कैजुअलिटी हो गई, तो मतलब यह तो हो गई, इसका इलाज करा दो। मगर कल परसों फिर दूसरे ब्रांच में इसी तरह खोलोगे गिरेगा, तीसरे ब्रांच में गिरेगा, कितनों के कान कटेंगे, इसका इलाज परमानेंट क्या होगा? वहीं से निकल कर आया कि सर हम क्यों ना इसके अंदर एडिशनल सेफ्टी बेल्ट लगा दें, तब डोर खोलेंगे तो यह बेल्ट उसको होल्ड करेगी और धीरे धीरे एक एक बेल्ट हम इसको रिमूव करेंगे, सामान हमारा सेफ हो जाए। बेल्ट का जन्म हो गया, कितना खर्चा लगा? 500। कितने कान बच गए? कुछ भी नहीं, मगर आउट ऑफ बॉक्स एक सोच बदलनी है बस, और कुछ भी नहीं। और आपको सॉल्यूशंस हाजिरी का मिलेगा, किसी तरह का भी देख लेना, यू विल गेट द सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशंस यहां पर आपने देखा होगा, एक कोई सामान पैक किया हुआ है, इसमें मंदिर की मूर्तियां हैं भगवान की, क्योंकि हर घर में हमारे 99.9% घरों में मूर्तियां होती है, भगवान की मूर्तियां होती है, जब पैकिंग करते हैं तो उसका भी एक इमोशंस होता है हर किसी के साथ में। हमारी 1997 या 96 में जीके क्लास में, ग्रेटर क्लास में यहाँ पर पैकिंग हो रही थी, माननीय TN सेशन जी जो रिटायर होकर मद्रास जा रहे थे, जो हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत बढ़िया पैकिंग चल रही थी, और एक आदमी ने, जब उन्होंने छोटा सा मंदिर बना रखा था, उसकी मूर्तियों को कार्टून लेकर पैकिंग करने चला गया और जूते नहीं निकाले और पैक करने लग गया। सेशन साहब पूजा करके जब आए और जूते देखकर उनको चक्कर आ गया, बोला मेरा भगवान नाराज हो गया, अग्रवाल जी कहां है जल्दी बुलाओ, तुम बाहर निकलो। सब पैकरों को बाहर निकाल दिया, गेट में बोल्ट कर दिया, गेट आउट, मेरे भगवान को नाराज कर दिया। मैं आज तक पांव धोकर हाथ धोकर मंदिर में जाता हूं, तुम तो जूते पहनकर मेरे मंदिर की। मैं भाग कर गया, वहां पहुंचा, सेशन साहब बहुत बिगड़े हुए, अग्रवाल जी ये क्या हो गया, मेरा भगवान नाराज हो गया, मैं आज तक इतने साल हो गए, पूजा बहुत करते थे वो, हाथ भी अच्छा देखते थे। मैंने सोचा क्या किया जाए, लिबरों को बुलाया, बोला साहब हमने तो कभी आज तक ध्यान ही नहीं किया, सब घरों में जाते हैं जूते पहन के भी पैक कर लेते हैं, कभी निकाल भी देते हैं, ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी ट्रेनिंग का हिस्सा। बोला कोई बात नहीं, मैं अंदर गया, मैं सब एक बात कहूं आप मेरी सुनोगे तो, उसने कहा कि क्या, मैंने ये डिजाइन उसी टाइम मेरी कॉपी पे बनाया था, ओम वो दूसरा निशान, वाहिगुरु का निशान, और अपना जो क्रॉस का निशान, ये मैंने कॉपी पर निकाल कर मैं बनाया, और मैंने कहा कि सर आज तो आपका भगवान रूठा है, हमारी गलती है, माफी मांगूंगा, मगर आपके इस रूठने के कारण आपको ने एक ऐसा लेसन दे दिया, मैं 52,000 या 50,000 का लोगों का शिफ्टिंग करता हूं, किसी का भगवान आज के बाद नहीं रूठेगा, आई हैव मेड ए रूल, दिस इज लाइक दैट, एंड आई विल पुट दिस स्टिकर, आज स्टिकर बनाऊंगा जाते ही, और सबके भगवान का जो कार्टून होगा उस पे स्टिकर चिपकाऊंगा, और किसी का भगवान नहीं रूठेगा जिस पे स्टिकर होगा, यहां भी वहां भी। मंदिर की जब पैकिंग होगी, आदमी हाथ धोएगा, जूते निकालेगा, और यहां तो गलती है
बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, मगर जहां मद्रास में हैदराबाद में जब लोग सामान उतारेंगे वो भी जूता पहनकर ना उतारे, सीकर देखते ही जूता निकालते हैं और दो आदमी कार्टून पकड़ते हैं, दिल के साथ लगाते हैं और उसके मंदिर में रख के आते हैं, तो दोनों जगह भगवान नहीं उठेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसन साहब बड़े खुश हुए और मेरे थापी मारी, यार तूने तो कितने लोगों का भगवान रूठता होगा उसको बचा लिया, तो मेरा तो एक भगवान है, वेरी गुड गुड शो। और उसके बाद आज तक मेरा उनसे एक बड़े भाई के नाते या एक अपने अगर्ज के नाते उनसे ताल्लुक है। एक स्कूल है हमारा हैदराबाद में, डीआर इंटरनेशनल स्कूल, ए क्लास स्कूल है, उसके वो पैटर्न मेंबर भी है और हर बार वहाँ आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, हमारे को सुझाव देते हैं, उस दिन के बाद वो पक्की दोस्ती बन गई उनके साथ। एग्जाम्पल 5, आउट ऑफ बॉक्स। मैं आज सारे चर्चा आपको आउट ऑफ बॉक्स करूंगा, जो चीज हम ये सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, बट वी मेड ए पॉसिबल। ओनली क्या किया कि क्लाइंट के जगह बैठे सोचा, आंसर मिला और सॉल्यूशन में डाल दिया, एंड दैट बिकम्स अवर रूल्स। गत्ते की सीट होती कार्गेट सीट, आप जानते हैं जो लपेटते हैं कोई पैकिंग करने में, उसका भाव करीबन 1.5 साल 2 साल पहले 22 रुपए किलो था, एकदम पेपर में तेजी आई और 29 रुपए किलो भाव बन गया, 7 रुपए किलो, कितना परसेंटेज हो गया एक्स्ट्रा, 35%। मीटिंग बुलाई क्या किया जाए, क्या कि 35% बढ़ा दो, जब भाव बढ़ गया तो आप क्या करोगे, क्या अपना मार्जिन कम कर लोगे। मैं बोला यार बहुत महंगी पहले ही हुई है, अब इसका मैं नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे को सोल्यूशन बताओ। बोला जी अब सोल्यूशन ये है कि आपका प्रॉफिट कम कर दो, मतलब वो भी कम करना नहीं चाहता। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हमारी मिसिज को भी मैंने वो परचेज देखती है उसको भी इन्वॉल्व किया, सोचते रहे और लास्ट में एक सोल्यूशन निकला, भाव नहीं बढ़ाएंगे, कम करेंगे और क्वालिटी 20% फालतू मतलब कि अच्छी करेंगे। और एक सीट का जन्म हुआ, जो राइट साइड में जो सीटें दिखाई दे रही है, इसका हमने अपना नाम फैब्रिक सीट बनाया है, जिसको हम सॉफ्ट क्लोथ सीट भी कहते हैं। कपड़ा होता है 70 GSM का और अंदर फोम की सीट होती है, जैसे आपने देखा रजाई जिसको बोलते हैं, उसमें तो रुई होती है, उसमें फोम होता है और ये एक अच्छी पैडिंग बन जाती है, दोनों तरफ कपड़ा और उसकी सिलाई कर ये हमारी जो सीट होती है ये 8x approximately 9 feet की होती है, 8 feet into 9 feet, 72 square feet हो गया, 8 feet लंबा चौड़ा, 9 feet लंबा, तो कितना बन गया, 72 square feet बन गया। और 72 feet का कारुगेट सीट जो लपेटा करते थे उसकी कॉस्ट आती है 60 रुपए, 72 फीट का कारोबार सीट लपेटते थे कॉस्ट कितनी आती है 60 रुपए, और इस सीट की कॉस्ट आती है हमारी 152 रुपए। अब आप कहोगे जी फिर आपने कौन सा अच्छा काम किया, 152 रुपए की सीट को रिप्लेसमेंट किया किससे, 60 रुपए से, मगर मेरी ये सीट 6 टाइम यूज होती है। तो मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ गई, यानी कि 2.5 टाइम में, तो आप 2 या 2.5 टाइम में तो इसका कवर हो गई कॉस्ट और बाकी का बोनस। और ये सॉफ्ट सीट, गत्ते की सीट जब हम एक आलिशान फर्नीचर के लगाया करते थे, गत्ते के अंदर क्या होता है कि सोक करता है, वो फर्नीचर पे जो पॉलिश होती है उसको सक कर लिया करता, और जब डेस्टिनेशन में पहुंचती थी अनपैकिंग करते थे तो पॉलिश थोड़ी सी फेड पड़ती थी, हालांकि मेरे क्लाइंटों को नहीं मालूम होता फेड पड़ी नहीं पड़ी, बट आई नो कि इसकी पॉलिश